तो ये दिल्ली चढ़ जाएगी। जो हैंडल बार है ना यार बहुत बढ़िया, अभी आप देख सकते हो जो भी डाउन स्लोप्स है। मैंने पूछा कि थोड़ा हिली एरियाज में हम रहते हैं घाट सेक्शन में, तो वहाँ चलाने में दिक्कत आएगी कि नहीं? तो मैं ऑनेस्टली बताऊँगा गाइस, देख सकते हो हाई स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 6 और जा रहे हैं हम मीटियोर का ऑफ रोडिंग ब्लॉग शूट करने। मैंने सुबह इसलिए करा बिकॉज वेदर काफ़ी बढ़िया रहता है, बट फिर भी धूप बहुत जल्दी आ जाती है। सो अपना मीटियोर वाला फ्रेंड अभी मिल रहा है आगे, सो चलते जल्दी से। आज हम जाने वाले शंकरगढ़ पहाड़ी, वहाँ पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक करेंगे कि यार ऑफ रोडिंग में कैसा क्या रिस्पॉन्स है, हिल क्लाइंबिंग में कैसा क्या रिस्पॉन्ड करती है मीटियोर। एक कंप्लीट ऑफ रोडिंग टेस्ट होने वाला है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो पहले जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, रात से सुबह हो गई, रब जाके आ रहा है। इतनी देर क्यों लगा दी? अभी हाईवे पर आ गए, काफ़ी टाइम लग गया है बिकॉज ये भी थोड़ा लेट हो गया था आने में। सो आप देख सकते हो ये जो अभी पूरी पहाड़ी है इसका नाम है शंकरगढ़, में देखेंगे कैसा क्या परफॉर्म करती है। और सुबह बहुत बढ़िया रहता है यार, अभी आप देख सकते हो मौसम कितना मस्त है, ठंडा ठंडा एकदम। वाह मोदी जी वाह वाह। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोकेशन पर पहुंच गए, अब चलते जल्दी से ऊपर। हर्षिल भी मेरे साथ है, अभी अपनी गाड़ी को आगे भेज दिया बिकॉज उसका एग्जॉस्ट नोट इतना है कि यार मैं फिर अच्छे से आपको क्लियर सुनाई नहीं आता। तो आप देख सकते हो हम ऊपर तक जाएंगे, पूरी गाड़ी को अच्छे से चला कर देखने वाले हैं आज। और गाड़ी में वैसे फ्यूल भी कम है, जाते टाइम करा लेंगे रिफ्यूलिंग। तो थोड़ा अटपटा लग रहा है बिकॉज उसमें 350X का हैंडल बार है, सीधे मीटियोर पर आया हूँ। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। काफ़ी बढ़िया चल रही है अभी तो, मतलब अभी तो मुझे ऐसा कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही राइड करने में। एंड ये जितने भी छोटे मोटे बम्स हैं अभी तो मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी नॉर्मल रोड पर ही चला रहे हैं। एंड चलते थोड़ा आगे। मेन अब यहाँ से है जो भी है बिकॉज ये तो नॉर्मली टायर है ना, ऊपर नीचे थे, मेन अब यहाँ से चढ़ाना पड़ेगी ऊपर। सो गाइस चलते हैं, थोड़ा डर लग रहा है बट ठीक है। तो ये दिल्ली चढ़ जाएगी। बढ़िया चढ़ गई बहुत, मतलब यार ये उम्मीद नहीं थी, एकदम इजीली चढ़ गई ये गाड़ी ऊपर। एक बार अब देख लेते अपनी गाड़ी का भी क्या सीन है। सो दोस्तों देखा, अभी हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आए, मेरे को डर इसलिए लग रहा था बिकॉज पिछली बार मैं R15 से आया था RX 135 का लॉक शूट करने, और उस टाइम उसकी गाड़ी चढ़ी नहीं थी, तो मेरे को वही मन डर में वही डर मन में था। बट यार मैं 350cc को मान गया, मतलब पहले गियर पर मेरे को शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा थ्रॉटल दिया, देन बाद में मुझे थ्रॉटल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी इजीली चढ़ गई। और इससे भी डर लग रहा था बिकॉज इसको मेरी गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। तो तेरे को कैसा क्या लगा भाई? फट गए एक छप्पड़ मार दूं भाई। ठीक है अब चलो ऊपर आ गए, अब यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब यहाँ पर नॉर्मली ऊपर नीचे स्लोप्स है, तो चलते हैं। पर यार बहुत ही कम RPM पे रिस्पॉन्ड कर रही थी गाड़ी,
मतलब 350 सीसी की गाड़ी बहुत ही बढ़िया पावर जनरेट करती है। 349 सीसी का है, इसमें सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल फुल इंजेक्टेड इंजन जो कि अराउंड 20 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टॉर्क बहुत ही सफिशियंट है बिकॉज देखो यार, इस गाड़ी को एक क्रूज़र बाइक या स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते। बट इसका जो हैंडल बार है ना यार, बहुत बढ़िया। अभी आप देख सकते हो जो भी डाउन स्लोप्स है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा वे देख पा रहे होंगे। मैंने अभी क्लच दबा कर रखा है एंड सिर्फ रियर ब्रेक से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हो स्किड नहीं खा रही गाड़ी। फिर मैं दिखाऊँ आपको, मतलब ABS बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। अगर आप आज से लेके पुरानी कौन सी रॉयल इनफील्ड की गाड़ी देखोगे तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि यार स्किड बहुत खाती थी, बट ABS से आप फुल सिक्योर्ड राइड कर सकते हो। आगे पीछे के ब्रेक में इंस्टेंट दबा रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर आ गया एक छोटा सा लेक, बहुत बढ़िया यार। मैं फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ गाइस मीटियोर से और मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, बहुत ही मज़ा आ रहा है चलाने में। छोटे छोटे बम्प्स तो पता ही नहीं लगेंगे, मेनली इसका जो हैंडल बार है ना इस तरीके से डिज़ाइन करा है, कोई भी जर्स नहीं आते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो फ्रंट में तो मतलब मैं बोलूँगा 100 में से 10% जर्स आ रहे होंगे, जो कि यार पता भी लगना चाहिए कि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। बट रियर मुझे थोड़ा स्टीफर साइड लग रहा है। तो रियर में जैसा कि आपको मालूम है ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, तो अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो ना तो मैं ये बोलूँगा वो 6-स्टेप एडजस्टेबल शॉकों पे तो उसको एडजस्ट करा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज रियर सस्पेंशन आर समवॉट स्टीफर साइड। एंड यार बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रही है यार ड्यूअल चैनल ABS एंड ड्यूअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। मतलब देखो यार, आप में से कोई लेने का प्लान कर रहा है तो टेस्ट राइड के लिए आप ऑफ रोडिंग करने जाओ ये तो पॉसिबल नहीं है, बट किसी फ्रेंड की हो तो एक बार कौन से टेरेन रोड पर आ जाओ। बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि यार हम थोड़े लाइक उत्तराखंड से एक दो अपने सब्सक्राइबर्स थे, बाकी किसी ने पूछा कि थोड़े हिली एरियाज़ में हम रहते हैं घाट सेक्शन में तो वहाँ चलाने में दिक्कत आएगी कि नहीं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा गाइस 1% दिक्कत नहीं है, अलग ही फील आएगा आपको। मतलब दिक्कत तो छोड़ दो, अगर राइड एंजॉय कर रही है ना यार तो मीटियोर की ओर जाओ, बहुत ही बढ़िया क्रूज़ बाइक है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। देख सकते हो हाई स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ओहो क्या बात है, मैं एकदम डर गया गाइस, मेरे को लगा आगे रास्ता खत्म है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है यार चलाने में। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाइस 170 mm का है, मतलब सफिशियंट है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे यार देखो, कोई भी ब्रेकर है ना, अनसर्टेन ब्रेकर या पैच कोई आ जाता है तो उसमें टकराने का इशू तो कुछ भी नहीं आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ से बीच में निकाल के देखूँ थोड़ी इस वाली जगह पे, तो आप देख सकते हो इजीली निकल रही, थोड़ी मिट्टी वाले एरिया में भी अगर हम चलें तो देख सकते हो आप इजीली निकल रही, ऐसा कोई भी इशू नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं बिकॉज मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे आ गया हूँ थोड़ा। सो गाइस, मैं तो अपने भाई की मीटियोर पे आ रहा था और इसने मेरी थंडरबर्ड चलाई। अब दोनों के अगर डिफरेंस पे बता दूं बिकॉज थंडरबर्ड के बाद ही मीटियोर आई है, अलग ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, बट इसमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक है बट ड्यूअल चैनल ABS नहीं आता उसमें। उसमें ड्यूअल चैनल डिस्क ब्रेक विद ABS है, हैंडल बार पूरा चेंज है, तो कुछ डिफरेंस लगा बिकॉज पिछली बार तो वो सामने वाली पहाड़ी जो आप देख सकते हो एकदम थोड़ी दूर वहाँ पर गया था, ठीक है। तो क्या डिफरेंस लगा दोनों गाड़ी में चलाने में? थोड़ा टॉर्क का अंतर है, टॉर्क का अंतर है और डर तो नहीं लगा, डर लग रहा था डर लग रहा था जैसा कि आपने भी क्लिप में भी देखा, मतलब मैंने इंस्टेंट पीछे वाला ब्रेक दबा कर देखा थोड़ी रेत वाले एरिया में, स्किड खाने का कोई भी इशू नहीं आ रहा था, बहुत ही मजा आया। यहाँ पर आकर शूट वगैरह कर रहे थे हम, थोड़े फोटोज क्लिक करें। सो अब चलते हैं नीचे की ओर बिकॉज इसके बाद गाइस प्रॉब्लम्स पर भी वीडियो आने वाली है। जैसे कि आपने गाड़ी की तारीफ तो सुन ली आज की वीडियो में, और ये मैंने जबरन की तारीफ नहीं करी, ऑनेस्टली बताया जैसा कि चलाने में मज़ा आ रहा था। बस ये है कि मैंने अभी शूज़ पहने फिर भी मैं राइट लेग के साइड थोड़ी सी हीटिंग इशू आ रहा है, बट ठीक है, अब गाड़ी थोड़ी नई है तो हो सकता है हीटिंग अभी हो रही है।
ब्रेक्स टेस्ट करते हैं एक बार। देखा गाइस, इंस्टेंट रुक गई गाड़ी, स्कीड तो होती नहीं है, ये तो कोई स्कीड होने वाला तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम लोकेशन देख रहे हैं कि कहाँ पर शूट करी जाए वीडियो। सब यहाँ थोड़ा देख सकते हो आप, हिल टाइप है। अब मैं लो आरपीएम पे जाने दे रहा हूँ, इजीली चढ़ रही, इजीली आप देख सकते हो। यहाँ पर रोक लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ी सी ऑटो जैसी आवाज काहे को आती है? वाह यार भाई, तुमने मतलब